ज्ञान देना हमारा काम है, और ज्ञान इस प्रकार से देना चाहिए कि सामने वाले को बात समझ में आ जाए। उस ज्ञान को व्यक्ति स्वीकारता है नहीं स्वीकारता है, इससे हमें अपने यश या अपयश को नहीं मापना, या हमारा मापदंड नहीं होना चाहिए कि सामने वाला उसे स्वीकार रहा है कि नहीं स्वीकार रहा है। हमें एक नदी के समान होना चाहिए, कुएं के समान होना चाहिए, कि कोई भी व्यक्ति अगर वहां पर आता है, अगर वो प्यासा है तो हम उसे जल प्रदान कर सकें। अगर सोचिए कोई नदी है, जैसे आपका पानी का घड़ा है, अगर वो यह सोचे कि देखो आज मेरे पास जो है ना 5 लोग आए पानी पीने के लिए, तो आज मेरा दिन अच्छा गया, या आज कोई नहीं आया तो आज मेरा दिन बुरा गया, तो इससे तो ऐसे घड़े को अपना मापदंड नहीं रखना चाहिए यश का या अपयश का। उसे यही देखना चाहिए कि जो भी उसके पास आया है, क्या उसकी प्यास बुझी है या नहीं बुझी। उसी प्रकार से अगर आपको लगता है कि इस बारे में ज्ञान देना चाहिए लोगों को, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है, तो आप ज्ञान देते रहिए, और इस प्रकार से ज्ञान देने का प्रयास कीजिए कि सामने वाले को बात समझ में आ जाए। तत्पश्चात वह व्यक्ति कैसे उस ज्ञान का प्रयोग करता है, उस व्यक्ति पर आप उसे छोड़ दीजिए। आप जो है आवश्यकता पड़ने पर पुनः उन्हें ज्ञान दे सकते हैं, या किसी और को आप ज्ञान देने का प्रयास करें।